દમણ પોલીસ દ્વારા ગણેશોત્સવ તેમજ મહોરમનો તહેવાર શાંતિમય વાતાવરણમાં પૂર્ણ થાય અને સંઘ પ્રદેશમાં કોમી એકતા અને ભાઈચારો જળવાઈ રહે તે માટે ગણપતિ તેમજ તાજા આયોજકોની એક સંયુક્ત બેઠક બોલાવવામાં આવી હતી. દમણના પોલીસ મુખ્યાલય ખાતે ડીઆઈજીપી બીકેસિંહની અધ્યક્ષતામાં યોજાયેલ આ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત ગણેશ આયોજકોને આચારસંહિતાનો અમલ કરાવવામાં આવી હતી. આ બેઠકમાં એસડીપીઓ રવિન્દ્રસિંહ, એસપી પાંડે, પીઆઈ સોહિલ જીવાણી, પીઆઈ સબાસ્ટિયન દેવાસિયા સહિતના પોલીસ અધિકારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. જૈસા કે આપ લોગ જાનતે હૈ, ગણેશ પૂજા ઓર મોહર્રમ દોનો હી મહત્વપૂર્ણ ત્યોહાર હૈ, વો બડે પૈમાને પે ઇસ પે આયોજન હોતા હૈ, ઓર ઇસલિયે હમને ઇસ બાર તમામ લોગો કો ઇન્વાઇટ કિયા થા, ઓર બડી બડી સંખ્યા મે 250-300 લોગ આયે થે પંડાલ કે ઓર્ગેનાઇઝર્સ, ઓર ઉસ પે હમારે પોલીસ અફસરો ને સારે કાનૂનન બાતે હમકો બતાઈ, સમજાયા, और मूलतः दो तीन बातें उनको बताना था. एक तो कि पुलिस की तरफ से उनको सहयोग रहेगा, पुलिस का अरेंजमेंट रहेगा, जहां भी पुलिस की जरूरत पड़ती है बिना हिचक वो हमसे सहायता मांग सकते हैं. एक तो ये था. दूसरा ये था कि कुछ तत्व जो पंडाल लगाते हैं वो कानून का वायोलेशन करते हैं. तीन चार तरह के वायोलेशन होते हैं और उसमें एक तो होता है कि जबरन चंदा उगाही, उसपे उनको बताया गया कि हम लोग केस रजिस्टर करेंगे और अरेस्ट करेंगे अगर इस तरह की हरकत पाई गई. दूसरा यह है कि ट्रैफिक जाम करने की आदत, कि पंडाल को रोड के ऊपर लगा के ट्रैफिक रोड का हिस्सा रोक लेना और ट्रैफिक उससे जाम होता है. और तीसरा है जो रात को देर तक लाउड स्पीकर बजाना और उसकी वजह से आम जनता को तकलीफ देना. तो इनके अलावा छोटी छोटी और भी दिक्कतें हैं, जब वो विसर्जन के टाइम उनका डिसिप्लिन में ना होना, और इसलिए मैंने पंडाल के ऑर्गेनाइजर के साथ साथ जिनके भी डीजे हैं उनको भी बताया है कि उनकी डीजे सीज कर लूंगा अगर उनके डीजे से जो प्रेस्क्राइब डेसिमल है उससे ऊंची आवाज में और जो रात का समय है 10 बजे उसके बाद बजाएंगे तो उनके ऊपर एक्शन होगा. उसी तरह जो मोटर व्हीकल है जिसपे गणपति की मूर्तियां लेके वो निकलते हैं, उस ड्राइवर और उस ऑनर की जिम्मेवारी है कि उसका उसकी गाड़ी कोई वायलेशन ना करे, कोई ट्रैफिक रूल का उल्लंघन ना करे, अगर करेंगे तो उनके खिलाफ भी एक्शन होगा. यानी डीजे के खिलाफ और गाड़ी वालों के खिलाफ और पंडाल वालों के खिलाफ, तीनों के खिलाफ हो सकता है एक्शन अगर वो तीनों कानून तोड़ते हुए पाए गए. और इसके अलावा हमने उनसे कोऑपरेशन की अपील भी की है और आम नागरिकों से भी मैं अपील करता हूं, त्यौहार का समय है, थोड़ा एक दूसरे के सहयोग से इस त्यौहार को, सड़क पे जब मूर्ति विसर्जन होती है लंबे लंबे लाइन लगती है तो उसमें थोड़ी सी पब्लिक भी सहानुभूति रखे, थोड़ा सा धैर्य रखे, और जो ऑर्गेनाइजर हैं वो भी पब्लिक की तकलीफ का ध्यान में रखते हुए आपसे सहयोग से शांतिपूर्वक इसको सम्पन्न करें.